हेलो क्लास नाइन्थ चलिए अब हम लोग फिर से नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज उसका पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस पार्ट देखते हैं चैप्टर का पॉलिटिकल रेडिकलिज्म मतलब कि बिल्कुल ही राजनीति का जो एकदम बदलाव जब बेसिक तरीके से जो बदलाव होता है वो हम देखेंगे क्या राजनीतिक बदलाव वहाँ आए थे और इकोनॉमिक क्राइसिस जो आर्थिक तंगी हुई थी वहाँ पर वो क्यों थी द बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक क्वेंसाइडेड विद द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द स्पार्टी स्पार्टसिस्ट लीग ऑन द पैटर्न ऑफ द बोलशेविक रिवोल्यूशन इन रशिया वीमर रिपब्लिक के बाद ही एक और uh, एक क्रांतिकारी अपराइजिंग हुई थी वहाँ पर जर्मनी में वो था एक स्पार्टिस्ट एक स्पार्टसिस्ट लीग एक ग्रुप था वो ए, उसका वो बोल्शेविक रिवोल्यूशन जो कि रशिया में हुआ था उसके ऊपर आधारित था सोवियत सोवियत्स ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर इस्टेब्लिश्ड इन मेनी सिटीज़ और क्या किया गया था बहुत सारे ग्रुप बनाए गए थे है ना जिसमें क्या था सेलर्स और वर्कर्स सबके ग्रुप बनी थी ग्रुप कहते हैं जैसे ये होती है ना एक यूनियन उस तरह से बना था द पोलिटिकल एटमोसफियर इन बर्न बर्लिन वॉर चार्ज विद डिमांड फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस और जो राजनीतिक एटमोसफियर था बर्लिन का बर्लिन आपको पता ही है जर्मनी की राजधानी है तो वहाँ पर क्या था कि उस वो वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा ये बात फैली हुई थी कि हमें तो वो लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें तो सोवियत संघ जो रशिया है, है ना आज हम जिसको रशिया के नाम से जानते हैं पहले वो सोवियत नाम से कह, कह, कहलाता था तो उसने कहा कि हमें सोवियत स्टाइल की गवर्नेंस यानी सो, सोवियत स्टाइल की सरकार चाहिए जर्मनी में भी दोज अपोज टू दिस सच एज द सोशलिस्ट डेमोक्रैट्स एंड कैथोलिक्स मेट इन वीमर टू गिव शेप टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो लोग इसका विरोध कर रहे थे सोवियत स्टाइल गवर्नेंस का और उन्होंने उनों, उन्होंने क्या किया अपनी एक मीटिंग बुलाई वीमर में जो इनका विरोध कर रहे थे उनमें सोशलिस्ट थे डेमोक्रेट्स थे और कैथोलिक्स थे और वो ये चाहते थे कि जर्मनी में दोबारा से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बने यानी प्रजातांत्रिक तंत्र वहाँ पर आए द वीमा रिपब्लिक क्रश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ द वार वेटरन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉप्स और तब क्या हुआ ये जो अपराइजिंग हुई थी सोवियत स्टाइल गवर्नेंस की मांग करने वाले लोगों की उसको बहुत ही uh, इससे बहुत आ, आसानी से दबा दिया गया उसको ख़त्म कर दिया गया और उसको ख़त्म करने में मदद करने वाले जो लोग थे वो थे फ्री क्रॉप्स एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें वार वेटरन जो युद्ध में शामिल हुए थे ना लोग वो लोग उन लोगों का ये ऑर्गेनाइजेशन था उन्होंने क्या किया इसको खत्म कर दिया ये जो आंदोलन करने वाले या रिवोल्यूशन करने वाले लोग थे इसको द एंग्विश स्पार्टसिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी अब जब uh, उनको बुरी तरह से हरा दिया गया था तो क्या हुआ वो थोड़े नाराज़ हुए और उन्होंने जर्मनी में एक uh, पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट हेंसफोर्थ बिकेम इन इनकॉन्साइबल uh, enemies and could not make common cause against Hitler. और उसके यही कारण था जब इनको दबा दिया गया था तब उससे वो नाराज़ हो गए थे और इस वजह से क्या था ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ये दोनों के दोनों हमेशा एक दूसरे के प्रति वफादार नहीं रह पाए एक दूसरे के दुश्मन बने रहे है ना और यही कारण है कि जर्मनी में जब हिटलर का की राइज़ हुई जब हिटलर धीरे धीरे ताकतवर होने लगा था तो कोई उसको रोक नहीं पाया क्योंकि सब आपस में लड़ रहे थे हिटलर को रोकने वाला कोई था ही नहीं बहुत द रिवोल्यूशनरीज एंड मल्टी नेशनल कार्ड फॉर रेडिकल सोल्यूशन और इसलिए रिवोल्यूशनरीज और मिलिटेंट नेशनलिस्ट जो थे ये दोनों मिलकर चाह रहे थे कि एक रेडिकल सोल्यूशन यानी बिल्कुल ही एक ज़मीनी तौर पे जो बदलाव होता है ना उसको लाया जा सके पोलिटिकल रेडिकल वॉज ओनली हाईटेन बाई द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ नाइनटीन ट्वेंटी थ्री और ये पोलिटिकल रेडिकल जो था ये इसको मौका मिल गया आगे बढ़ने का और बहुत ही आगे वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि उस समय इकनॉमिक क्राइसिस यानि आर्थिक तंगी जर्मनी में बहुत ज़्यादा थी जर्मनी हैड फॉर द वॉर लार्जली ऑन लोन्स और जर्मनी ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा था तो उसने बहुत सारा लोन लिया था सब हर तरफ से ड नो है वार रिपैट्रिएशन इन गोल्ड और वो पैसा जो इन्होंने युद्ध के समय लिया था जर्मनी ने उसको सोना सोने के इससे चुकाना था मतलब पैसे से नहीं चुकाना था सोना देकर चुकाना था वो लोन जो था वो द डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व एट अ टाइम ऑफ रिसोर्सिस अब क्या था जो जो सोना था देश के अंदर वो सब सब खत्म हो रहा था और कोई रिसोर्स इनके पास था ही नहीं हमने शुरू में ही पढ़ा था आपको याद है ना कि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि उसके जितने रिसोर्सेज थे सबको दो साल के लिए इन्होंने ले लिया था और कहा था कि भाई जब पहले तुम कर्ज चुकाओ हमें कंपनसेसन दो तब हम तुमको वापस देंगे ये जी तो अब जर्मनी के पास कोई स्रोत ही नहीं था रिसोर्स ही नहीं था कि वो है सो अपना पैसा लौटा पाते और गोल्ड में उनको रिटर्न करना था अपना पैसा कर्जा जो था वो जर्मन रिफ्यूज टू पे इन 1923 जर्मन रिफ्यूज टू पे अब जब 1923 आया तो जर्मनी ने कहा कि भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं हम कैसे देंगे आपको तो कर्ज चुकाने में इसके लिए वो मना करने लगा एंड and एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया to claim their टू क्लेम देअर कोल और अब क्या था तब ne uh, लोगों ने कहा कि ठीक है hamara हमारा कर्जा नहीं चुकाओगे तो तुम्हारा जो area hai है yahan यहाँ पर bahut बहुत ज़्यादा होता है ki तुम्हारे coal का जो स्रोत है उसको हम ले लेंगे हम अपना कर्जा चुकाएंगे फिर उसे कर्जा असूल करेंगे तुम्हारा तुमसे ऐसे ही करके जर्मनी रिटेलिएटेड विथ पैसि रेजिस्टेंस वैसे तो जर्मनी ने विरोध किया लेकिन बहुत दमदार विरोध नहीं था एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली और uh, पैसे की तंगी ना हो देश के अंदर इसलिए बिना सोचे समझे बहुत सारा पैसा उन्होंने प्रिंट करवा लिया पेपर करेंसी जो होता है आपको पता है ये मालूम हो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं आप लोगों को मालूम ही होगा कि जब uh, पैसा ज़्यादा हो जाता है ना uh, तो क्या होता है उसकी कीमत घट जाती है जब पैसा नोट बहुत ज़्यादा मार्केट में हो जाएगा ना तो उसकी कीमत घट जाएगी और सामान की कीमत बढ़ जाएगी यानी थोड़े से सामान को लेने के लिए आपको बहुत बहुत पैसा देना होगा तो जर्मनी ने क्या किया बिना सोचे समझे उसने बहुत सारा ए, पेपर नोट छपवा दिया विथ टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क फेल सबसे पहले क्या हुआ कि पूरी आप जानते हो हर करेंसी की कीमत ना पूरे वर्ल्ड में देखी जाती है कि किस कौन सी करेंसी की कीमत क्या होगी अभी आपसे पूछा जाए कि भारत का भारत का रुपया जो है उससे आप कितने एक डॉलर खरीदने में कितना रुपया दोगे है ना तो ये क्या है ये ये कीमत है रुपये की है ना डॉलर की इस तरह से तो क्या हुआ कि उस समय जब जब बहुत ज़्यादा जा, नोट छापने लगी जर्मन सरकार तो क्या हुआ नोट की कीमत कम हो गई और जर्मनी की करेंसी को मार्क बोलते हैं मार्क तो जर्मन मार्क की वैल्यू जो थी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कम हो गई इन अप्रैल द यूएस डॉलर वाज इक्वल टू ट्वेंटी फोर थाउजेंड मार्क और आप देख लो कि अप्रैल आते आते तो ये 1923 की बात है अप्रैल आते आते एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए ट्वेंटी फोर थाउजेंड मार्क देना पड़ता था अब सोच लो क्या हालत होगी उनकी और जुलाई आते आते थ्री लैख फिफ्टी फिफ्टी थ्री थाउजेंड मार्क हो गया वो यानी एक डॉलर खरीदने के लिए थ्री लाख फिफ्टी थ्री थाउजेंड मार्क देना पड़ेगा और वैसे ही क्या हुआ फोटी सिक्स लैख्स ट्वेंटी वन थाउजेंड मार्क देना पड़ रहा था ये करके आ, एक डॉलर के लिए मैं अगर थोड़ा गलत बोल रही होंगी इसको नंबर्स को तो मुझे माफ़ करना तो मेरी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है इस वजह से मैं हो सकता है मैं गलत बोल दी बो बोल रही होंगी तो आप इसका ध्यान नहीं देना ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा माने भी नहीं रखता ये बस खाली ये बताने के लिए कि देख लो कुछ ही समय के अंदर जो मार्क जो जर्मन करेंसी है उसकी कीमत कितनी ज़्यादा घट गई थी और आप देख लो दिसंबर आते आते तो ये हालत हो गई थी इतना बड़ा नंबर है देख लो आप नाइन्टी एट एट सिक्स ज़ीरो सिक्स के ऊपर फोर ज़ीरो इतना ज़्यादा मार्क देना पड़ रहा था दिसंबर में एक डॉलर खरीदने के लिए द फिगर हैड रन इंटू ट्रिलियंस और ऐसा कहा जाता है कि ये फिगर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ट्रिलियन में पहुंच गया था एज द वैल्यू ऑफ़ मार्क को इस तरह से क्या हुआ मा, जो मार्क वै, की वैल्यू थी वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई बिल्कुल टूट गई प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड और हर खाने पीने की कीमत बहुत बढ़ गई द इमेज ऑफ जर्मन कैरिंग कार्टलोड ऑफ करेंसी नोट टू बाई अ लोफ ऑफ ब्रेड वॉज वाइडली पब्लिसाइज एवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी और थोड़ा सा ब्रेड खरीदने के लिए एक एक टुकड़ा लोफ जो होता है ब्रेड का वो खरीदने के लिए लोगों को ठेले पर भर भर के पैसा ले जाना पड़ता था तब जाके वो खरीद खरीद पाते थे एक टुकड़ा ब्रेड और इस, इस तरह की फोटो उस समय बहुत छप रही थी और लोगों को दुनिया के दूसरे देशों में लोगों को बहुत ही सिंपैथी बहुत सहानुभूति हो गई थी जर्मन लोगों से। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन और इसको इस क्राइसिस को इस तरह की सिचुएशन जब देश के अंदर हो जाती है तो इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है अ सिचुएशन वाइसिस हाई uh, और फिर क्या होता है एक ऐसी सिचुएशन है हाइपर इन्फ्लेशन जहाँ पर कीमतें जो होती है वो अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इवेंचुअली द अमेरिकन इंटरवीन फिर क्या हुआ आखिर में आ, अमेरिका को इसमें ये करना पड़ा आद, आना पड़ा बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग डेविस दे, प्लान उसके बाद किसी तरह से जर्मनी को उसने मुसीबत से बाहर निकालने की कोशिश की एक डेविस प्लान बनाकर विच रिवर्क द टर्म ऑफ रिपैट्रिएशन टू ईज़ द फाइनेंशियल बर्डन ऑन जर्मन या डेविस प्लान क्या था डेविस प्लान ये था कि दोबारा से जो ए, उसके ऊपर बहुत सारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के ऊपर जो बहुत सारे प्रतिबंध लगे थे उसको थोड़ा सा हल्का किया गया ताकि जर्मनी की फाइनेंशियल बर्डन जो है जो कर्ज से डूबा हुआ है वो उसको थोड़ा कम किया जा सके द ईयर ऑफ डिप्रेशन उसके बाद क्या हुआ इसके तुरंत बाद थोड़े समय बाद ही दुनिया में डिप्रेशन हो गया आर्थिक मंदी हो गई डिप्रेशन कहते हैं आर्थिक मंदी को द ईयर बिटवीन 1924 ट्वेंटी फोर टू नाइनटीन ट्वेंटी एट सॉ सम्टेबिलिटी वैसे चौ उन्नीस सौ चौबीस से लेकर उन्नीस सौ अट्ठाईस तक थोड़ा सा स्टेबल रहा दुनिया का दुनिया की हालत थोड़ी स्टेबल थी येट दिस वॉज बिल्ट ऑन uh, सैंड लेकिन ये तो जैसे रेत पर घर बनाते हैं ना ये तो बस देखने के लिए था ये तो असल में रेत पर बने हुए घर की तरह था जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द शॉर्ट टर्म लोन लार्जली फ्राम यू एस ए और जर्मनी की जो इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल रिकवरी जो थी जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह उसने शुरू करना था वो पूरी तरह से छोटे समय के लिए लोन मिला हुआ था यूएस US, यूएसए से उसके ऊपर निर्भर था दिस सपोर्ट वॉज विदड्रॉन विन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश इन नाइनटीन और ये सपोर्ट जो था वो उस समय वापस ले लिया गया जब वॉल स्ट्रीट कहते हैं जो वहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है अमेरिका का तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश कर गया 1929 में फियरिंग ऑफ ऑल इन प्राइसेस सब लोगों को लगने लगा कीमत कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा पीपल मेड फ्रेंटिक एफर्ट टू सेल देयर शेयर और लोगों को लगा कि की कीमतें कम हो जाएगी तो इस वजह से जल्दी जल्दी वो अपने शेयर को बेचने लगे On one single day, 24 October, 13 million shares were sold. सिर्फ एक ही दिन में 24 अक्टूबर को 13 million share को बेचा गया uh, This was the start of the Great Economic Depression. ये शुरुआत थी जो एक बहुत बड़ी economic depression आर्थिक मंदी जो हो रही थी इसकी शुरुआत थी ओवर द नेक्स्ट थ्री ईयर्स बिटवीन नाइनटीन ट्वेंटी नाइन एंड नाइनटीन थर्टी थर्टी टू द नेशनल इनकम ऑफ यू एस ए फेल बाई हाफ़ और ट्वेंटी नाइन से लेकर थर्टी टू के बीच में राष्ट्रीय इनकम जो थी यू एस ए की वो आधी हो गई थी फैक्ट्री शट डाउन बहुत सारी फैक्ट्री बंद हो गई एक्सपोर्ट फेल विदेशों को सामान जो बेचा जाता था वो वो कम हो गया आ, फार्मर्स वर बैडली हिट किसानों पर आ, के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ा स्पेकुलेटर विड्रॉ देयर मनी जो लोग अंदाजा लगाते रहते हैं ना कि हाँ ये इसकी शेयर की ऐसी कीमत होगी वैसे कीमत होगी अपना पैसा लगाए रहते हैं उन लोगों ने भी अपना पैसा वापस लेना शुरू किया फ्रॉम द मार्केट मार्केट से द इफेक्ट ऑफ दिस रिसेशन इन यूएस इकोनॉमी वर्फेल्ट वर्ल्ड वाइड और जब यूएस पर ये कमी, ये कमी शुरुआत जब यूएस में हुई तो इसका पूरा असर दुनिया पर पड़ने लगा द जर्मन इकनॉमी क्राइसिस और जर्मनी तो पूरी तरह से यूएसए पर निर्भर था तो उसके ऊपर तो बहुत ही ज्यादा आर्थिक मंदी, मंदी का बुरा असर पड़ा बाई नाइनटीन थर्टी टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस टू फोर्टी परसेंट एंडल अब क्या हुआ उन्नीस सौ बत्तीस से लेकर बत्तीस आते आते चालीस परसेंट ही उत्पादन होने लगा नाइनटीन ट्वेंटी नाइन के लेवल के बराबर वर्कर्स लॉस देयर जॉब बहुत सारे लोगों को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया वर पेड रिड्यूस पेड रिड्यूस वेजेस दिहाड़ी या जो सैलरी होती है हो, उसको भी कम कर दी गई द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टचड एंड अनप्रेसिडेंटेड सिक्स मिलियन बेरोजगारों की जो की, uh, संख्या थी वो एकदम बहुत बुरी तरह से बढ़ गई सिक्स मिलियन हो गई थी ऑन द स्ट्रीट ऑफ जर्मनी यू कुड सी मैन विध प्लेस प्ले कार्ड अराउंड देअ सेंग विलिंग टू डू एनी वर्क और जर्मनी के सड़कों पर लोग गले में गत्ते पर लिख कर ये कि कोई भी काम करने के लिए वो तैयार हैं खड़े दिखाई पड़ते थे गले में गत्ते पर लिख गत्ते पर यहाँ पर सामने में टांग लेते थे और उस पर लिखा रहता था कि विलिंग टू तो डू एनी वर्क आप जो काम दे दोगे हम काम करेंगे अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेट कार्ड्स और सिंपली सैट इन द स्ट्रीट डिस्परेटली क्यूड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और जितने बेरोजगार नौजवान थे वो या तो ऐसे ही बैठ ताश खेलते रहते थे और या फिर सड़क के किनारे बैठे रहते थे या फिर लंबी लाइन में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की लंबी लाइन में खड़े होते थे कि कहीं से कुछ रोजगार मिल जाए एज द जॉब डिस नौकरी तो बिल्कुल गायब ही हो गई थी द यूथ टू कप टू क्रिमिनल एक्टिविटी इसलिए बहुत सारे नौजवान क्राइम करने लगे थे एंड टोटल डिसपेयर बिकम का कॉमन प्लेस और हर जगह इस तरह की जो असंतुष्टि थी हर जगह दिखाई दे रही थी द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंगजाइटी एंड फियर इन द पीपल इकोनॉमिक की जो आर्थिक मंदिर जो हुई थी उस लोगों के मन में बड़ी चिंता थी और डर भी था द मिडिल क्लास स्पेशम्प्लॉज एंड पेंशनर सो दे आर सेविंग डिमिनिश मिडिल क्लास के लोग जो पूरी तरह से सैलरी पर निर्भर थे उनका पैसा और जो पेंशनर थे उन सबका पैसा धीरे धीरे गायब हो रहा था क्योंकि उन्हें ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा था इनकम कम थी वेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू जब करेंसी की वैल्यू कम हो गई स्मॉल बिजनेस मैन द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स सफ़र्ड एज देयर बिजनेस गॉट रूइ और बहुत सारे लोग सफ़र हुए जैसे जो अपना काम खुद करते थे छोटा मोटा बिजनेस करते थे रिटेल शॉप आप देखते हो ना इस तरह की शॉप वगैरह जिनकी थी वो तो बिल्कुल बर्बाद हो गए थे उनका बिजनेस बर्बाद हो गया था डिसाइटी वर फील्ड विथ फीयर ऑफ प्रोलीटरियनिज्म प्रोलीटारियनाइजेशन और ये क्या होता है टू बिकम इम्पोवरिश टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लासेज अब क्या था इतनी कमी हो जाती है इसमें कि आप वर्किंग क्लास या मजदूर की स्थिति आपकी बन जाती है एन एंगजाइटी ऑफ बिंग रिड्यूस टू द रैंक ऑफ द वर्किंग क्लास यानि वो चिंता जिसमें आप वर्किंग क्लास लेवल में पहुँच जाते हो और वर्स स्टेल इससे भी बुरी हालत हो जाती है द अनएम्प्लॉयड आप बेरोजगार भी हो सकते हो प्र, प्र, प्रोलीटारियनिज़म का प्र, प्र, प्रोलीटारियनाइजेशन का यही मतलब होता है ओनली ऑर्गेनाइज वर्कर कूड मैनेज टू कीप देर हैड्स अब वाटर जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे बस उन्हीं उन्होंने ही किसी तरह से अपनी जान बचा रखी थी यानी पानी सिर के ऊपर आने नहीं दे रहे थे है ना गले तक पानी में डूबे हुए थे बट द अनएम्प्लॉयमेंट वी कैन देअर बी बारगेनिंग पावर लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण वो कहीं भी बारगेनिंग तो नहीं कर सकते थे बिग बिजनेस वॉज इन क्राइसिस बड़े बड़े बिजनेस भी बुरी तरह बुरी हालत में थे द लार्ज मास ऑफ पिजेंट्री वर अफेक्टेड बाई ए शार्प फॉल इन द एग्रीकल्चरल क्राइसिस और बहुत सारे किसान जो थे इस बात से बहुत प्रभावित हुए कि एग्रीकल्चर में जो सामान वो, वो पैदा करते थे उसकी कीमत बहुत कम हो गई थी विमेन अनएबल टू फिल देयर चिल्ड्रन स्टॉमक महिलाएं बच्चों का पेट नहीं भर पाती थी वर फील्ड विद द सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर इसलिए वह बहुत दुखी रहती थी पोलिटिकली टू वीमर रिपब्लिक वॉज़ फ़ाइल अगर राजनीतिक नज़रिए से देखा जाए तो वीमर रिपब्लिक बहुत ही कमज़ोर था दीमर कंस्टिट्यूशन हैड सम इन एंड डिफेक्ट जो संविधान बनाया था उसमें कुछ अंदरूनी कमी भी थी विच मेड इट अनस्टेबल एंड वर्नरेबल टू डिकेटरशिप इसलिए यह एक तरह से बहुत ही अनस्टेबल था और हो सकता है वो इस मा, मामले में बड़ा खुला था कि देश में डिक्टेटरशिप आ जाएगी डिक्टेटरशिप आप समझते होगा तानाशाही है ना तो उनको ये था कि इतना अनस्टेबल सरकार रहेगी तो हो सकता है देश में तानाशाह कोई आ जाए वन वॉज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन Uh, एक तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ही था इनका दिस मेड अचीविंग अ मेजॉरिटी बाई एनी वन पार्टी ऑफ नियर इम्पॉसिबल टास्क चूँकि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था बहुत कम लोग ही uh, इसके इसमें शामिल थे एक यही कारण था कि मेजॉरिटी नहीं की जा सकती थी किसमें वीमर रिपब्लिक में वीमर रिपब्लिक की जो सरकार थी वो लीडिंग टू द रूल ऑफ कोलिशन और इस वजह से क्या था उन्हें मिली जुली सरकार बनानी पड़ रही थी कोलियशन कहते हैं जब कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो एक के पास तो इनका तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था एक ही हिस्सा था उनका जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था देश को इस वजह से क्या था ये टिकने वाली सरकार तो थी नहीं इसलिए क्या था कि इनको किसी भी तरह से कोलिशन सरकार बनानी पड़ी अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 48 एक तो ये कमजोरी थी इनमें से कोई भी एक हाथ खींच ले कोलिशन गवर्नमेंट में ऐसे ही होता है कि कोई भी एक अगर हाथ खींच ले तो फिर आपकी सरकार गिर जाएगी है ना कि मेजॉरिटी में आप रहोगे नहीं तो इस वजह से क्या था कि एक कमी ये थी वीमर रिपब्लिक में और फिर एक और कमी क्या थी आर्टिकल 48 इनका Which द प्रेजिडेंट द पावर टू इम्पोज impose आर्टिकल फोर्टी एट के अकॉर्डिंग क्या था जर्मनी के प्रेजिडेंट को यह पावर थी कि वो देश में इमरजेंसी लगा दे इमरजेंसी में क्या होता है साधारण जनता के जितने अधिकार होते हैं वो छीन लिए जाते हैं सस्पेंड सिविल राइट सिविल राइट छीन लिया जाता है रूल बाय डिक्री जो ऑर्डर होती है उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चलना होता है विद uh, इन इट्स शॉर्ट लाइफ द वीमा रिपब्लिक सॉ ट्वेंटी डिफरेंट का डिफरेंट कैबिनेट लास्टिंग ऑन एवरेज ऑफ टू थर्टी नाइन डेज और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतने छोटे लाइफ में भी वीमा रिपब्लिक में करीब बीस बार कैबिनेट में बदलाव हुआ और इसमें दो दो सौ दो टू हंड्रेड थर्टी नाइन डेज ये काम काम इसने किया लिबरल यूज़ ऑफ आर्टिकल फोर्टी एट और आर्टिकल फोटी एट को खूब यूज़ किया क्योंकि इससे इसमें प्रेसिडेंट को बहुत पावर थी एट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी रिपब्लिक ज़्यादा कुछ अपनी अपनी जो परेशानी थी तंगी थी उसको कुछ भी नहीं कर पाई उसको ठीक नहीं कर पाई पीपल लॉस कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम इसलिए लोगों का एक प्रजातंत्रिक पार्लियामेंट्री सिस्टम जो था उस पर से विश्वास उठने लगा वे सीम टू ऑफर नो सॉल्यूशन उनको लगा कि इनके पास कोई सॉल्यूशन है ही नहीं जर्मनी में जब ऐसी हालत थी उस समय हिटलर राइज इन पावर हिटलर का पावर में आना हुआ ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिटलर्स राइज टू पावर पढ़ेंगे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें और कमेंट कर करिए कि आपको ये चैप्टर समझ में अच्छे से आ रहा है या नहीं ठीक है थैंक यू वेरी मच एक बार फिर से याद दिला देती हूँ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए